guys, this is Simranjit Singh Sarawal aur aap dekh rahe hain Simran Sarawal Fitness. Aur aaj ka hamara topic hai ki hame bulking hai wo kitni der ke liye karni chahiye, jo aapka lean mass phase hai wo aapko kitni der karna chahiye, jo aapki gain training hai wo aapko kitni bari karni chahiye. To bulking ka meaning hota hai jab aap apna weight put on karte ho, aap apna muscle put on karte ho, aap apna size put on karte ho. To बेसिकली लोग क्या करते हैं कि लोग करते हैं कि हाँ भाई हम तो बल्क करेंगे 4 महीने 8 महीने 10 महीने और रुकेंगे ही नहीं कभी, और जब तक पूरे पूरे मोटे नहीं हो जाते, फैट नहीं हो जाते, तब तक अपना बल्क करते रहते हैं. गाइस, सबसे पहले आपको बात ये जाननी जरूरी होगी कि हमारी बॉडी है जो वो होम्योस्टेसिस में रहना ज्यादा पसंद करती है, जिसका मतलब है कि वो एक सर्टेन लेवल सेट पॉइंट पर रहना चाहती है. जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी बॉडी 70 किलो, तो वो उस बॉडी 70 किलो पे खुश है. तो अगर आप उसको आपको बढ़ाना है वेट, तो वो आपके लिए एक स्ट्रगल होगा. दैट्स वाई आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दैट्स वाई आपको न्यूट्रिशन अच्छे से लेना पड़ता है और ज्यादा खाना पड़ता है ताकि आपका वेट बढ़ सके. तो मेरी जो राय है आप लोगों के लिए वो है कि आप 4 महीने से ज्यादा बल्क ना करें. और 4 महीने में आप कितना वेट गेन करें, आप 4 महीने में 8 से लेकर 12 किलो गेन करें, जो कि आपका रफली बन जाता है 2 से 3 किलो पर मंथ. और 2 से 3 किलो पर मंथ के गेनिंग का ये फायदा है गाइस, क्योंकि आप ज्यादा फैट नहीं चढ़ाओगे. कई लोग क्या करते हैं कि वो ज्यादा लाइक 3 से 5 किलो या 6 किलो तक चले जाते हैं, तो उसमें आपकी फैट ज्यादा चढ़ती है. क्योंकि एज अ नेचुरल गाइस, ये आपको जानना होगा कि एज अ नेचुरल आपकी जो बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है और आपका जितना मसल ग्रो करता है वो सिर्फ 1 या 2 किलो में होता है, और उससे ज्यादा जो आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे. तो आपको यही ध्यान में रखना है कि 2 से 3 किलो आप अपना गेन करें महीने में, और वो 4 महीने तक चलाएं अपना बल्किंग साइकिल. जो आपकी यहाँ पे मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ गाइस, लाइक ये स्टेरॉइड साइकिल नहीं, ये आपके खाने का साइकिल, आपकी एक्सरसाइज का साइकिल है. तो 3-4 महीने तक अपना बल्किंग साइकिल करें, और उसके बाद आप करें एक मेंटेनेंस फेस. मेंटेनेंस फेस लोग ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये होता क्या है. मेंटेनेंस फेस ये होता है कि जहाँ पे आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना होता है, और आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिफरेंट तरीके में लगानी है. लगाने का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको रेप रेंजेस उसमें कम रखे हैं. जहाँ पे आप बल्क कर रहे हो उसमें रैप रेंजेस आपको रखनी है 10 से 15 रैप रेंज, और यहाँ पे आप अपना मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपनी रैप रेंज रखनी है 5 से 8. तो 5 से 8 रैप रेंज है जो आपकी न्यूरल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, और न्यूरल स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस करती है. तो फोर्स प्रोड्यूस ज्यादा करेगी गाइस जब आप एक मेंटेनेंस फेज के बाद अपनी कटिंग करोगे, तो जो आपका मसल है वो मेंटेन रहेगा क्योंकि आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में चली जाती है उस मेंटेनेंस फेज में. तो मेंटेनेंस फेज आपको कितनी देर करना है, मेंटेनेंस फेज आपको करना है 2 महीने, और इन 2 महीनों में आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है, हैवी वेट जिससे उतना वेट जिससे आप 5 से 8 रेप लगा सके. इसके साथ आपकी जो एक बॉडी को क्या रीजन मिल जाए हाइपोट्रोफी में जाने का, बिकॉज आप हमेशा ही हाइपोट्रोफी नहीं कर सकते, आप हमेशा ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप हमेशा ही मेंटेन नहीं कर सकते. तो ये मतलब है मेरा कि अगर आप हाइपोट्रोफी में गेम खेल रहे हैं, तो हाइपोट्रोफी में आपके 10 से 15 रेप है, लाइट वेट होता है, और जहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस सीजन होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ सीजन भी, और या स्ट्रेंथनिंग फेज. तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस आपके लिए, क्योंकि इस फेज में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ऊपर जाएगी, और आपके जो जॉइंट्स हैं रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि आपके रेप्स कम है बट वेट ज्यादा है. बट आपकी जो वेट ज्यादा से आपकी न्यूरल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल कोई नहीं बढ़ेगा. और इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको कैलोरीज ज्यादा नहीं खानी. अगर आप कैलोरीज ज्यादा खाएंगे जितनी आप हाइपोट्रोफी वाले फेज में खा रहे थे, तो उस फेज में आप ज्यादा रेप लगा रहे थे तो आपका मसल बिल्ड हो रहा था. इसमें आप सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, आप इसमें मसल नहीं बिल्ड कर रहे हो, और अपना मसल मेंटेन रख रहे हो. मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग हमारे क्या करते हैं, सभी को यही पता है कि एक बल्क होता है, एक कट होता है, लेकिन मेंटेनेंस और स्ट्रेंथ फेज का किसी को नहीं पता. तो ये आपके लिए शायद नई चीज होगी, तो ये आप ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव है. अगर आप अपना वेट 2 महीने के लिए एक बल्किंग फेज के बाद मेंटेन रखेंगे, तो आपका जितना भी मसल आपने पुट ऑन किया होगा वो
वो आपका मेंटेन रहेगा और उसके बाद आप अपने कटिंग फेज में जा सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो आपका जो मसल है वो बहुत ही धीरे धीरे बनता है और आपकी जो फैट है बहुत ही इजीली आप रिमूव कर सकते हो अपनी बॉडी से। तो ये बॉडी में जो आपकी एक्स्ट्रा फैट होती है तो आप 4 से 6 किलो, लोग 10 किलो तक कम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो 1 या 2 किलो ही आपको महीने में मिलता है। तो आपको शायद होपफुली ये समझ आ गया है कि मैं मेंटेनेंस फेज की क्यों बात कर रहा हूँ और बल्किंग कितनी देर करनी चाहिए और उसके बाद मेंटेनेंस कितनी देर करनी चाहिए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन है उसमें डाल सकते हैं और मैं उन सब पे ध्यान दूंगा कि आपको और चीजें क्या बता सकूं और आपको बातें और कैसे क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए देखते रहिए सिमरन्स राव फिटनेस और ये है सिमरन्स राव फिटनेस के। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।